अगर तुमको इतना ही चिंता मेरी बेटी के लिए है तो भाई तू उसको फोन करके डांट देता, फोन करके डांट देता ना, दुनिया को लाइव में बताने की क्या जरूरत है। तुम मेरे शुभ चिंतक हो, मैंने तुम बताना चाहते हो कि हाँ खेसारी जी हम बहुत अच्छे इंसान हैं, तुम्हारे जैसे सी लोगों को मैं रखता हूँ बाबू, तो इतनी भी दुनिया चूतिया नहीं है और इतनी भी दुनिया बेवकूफ़ नहीं है कि आप कुछ भी कह जाओगे और कुछ भी कर दोगे और दुनिया को नहीं पता चलेगा। चलेगा, आज मंच से किसी यादव जी की बेटी के, यादव जी की बेटी सपनवा में आती है, किसी ने गाया, अब प्रतिक्रिया कहाँ गई आप सबकी? आपके घर में भी बेटी पैदा होगी, ईश्वर करे कि आप भी शादीशुदा हैं, ईश्वर करे कि आपके घर में भी वो लक्ष्मी आए और उस लक्ष्मी का सम्मान है, और शायद जब लक्ष्मी आपके घर में आएगी तो आप सम्मान करना सीख जाएंगे। चाहे यादव की बेटी हो या किसी भी पर्टिकुलर जात की बेटी हो, हमें किसी को हक नहीं है कि हम मन से बोल दें कि ये सपना में आती है, इस जाति की बेटी सपना में आती है, या हम खुलेआम फेसबुक पे आके बोलें कि उनकी बेटी के बारे में ऐसे किसी ने बोला तो मैंने उसको डबाला कि भाई पूरी इंडस्ट्री में मेरे मुझे छोड़ के कोई कुछ भी गंदा, कितना भी गंदा कर दे, कोई बोलने नहीं आता है। ये आप सबको भी पता है कि मैं अगर अच्छा भी करता हूँ तो उसको बुरा बनाने के लिए पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार बंधु लोग लग जाते हैं कि इसको कैसे बुरा कर दिया जाए, इसकी अच्छी चीज़ों को भी बुरा कर दिया जाए। बट ठीक है, मैं भी एक गाना गाया था, चाची के बाची सपनवा में आती है, तो मेरी जितनी भी हीरोइनें हैं यहाँ पे सबके माँ को हम अंटिए बोलते हैं भाई, तो मैं उस पंटीफ्यू से उस गाने को गाया था कि जितनी भी हमारी हीरोइनें हैं भाई सबके माँ को तो हम अंटी ही बोलते हैं, कैसी है अंटी, और अंटी का मतलब चाची होता है। लेकिन आप सबको बुरा लगा तो मैंने गाना को प्राइवेट कर दिया, लेकिन किसी जाति विशेष पे, आप कोई भी कलाकार हो किसी जाति विशेष पे, हाँ आदमी गाता है कि जादव जी के दही तो बाबू साहब के ये तो दुनिया के ये, तो उसकी तारीफ में आदमी कुछ गाता है चलता है, लेकिन किसी के सम्मान घर की इज्जत को आप सर्वयाम मंच से बोल रहे हैं तो किसी कलाकार के लिए शोभा नहीं देता। उस जगह पे मुझे लगता है कि मैं होता तो भाई जी आप लोग समझ ही सकते हैं कि क्या होता, सारी कलाकार बंधु आकर और खेसारी को उखाड़ने के चक्कर में पड़ जाते कि नहीं खेसारी को उखाड़ के फेंक दो। अभी कोई नहीं आएगा मुझे पता है, क्योंकि यादव जी की बेटी सपनवा में आती है जिसने भी स्टेज पे गाया, ठीक है भाई कोई बात नहीं। अब मैं नहीं, मैं एक कलाकार हूँ, मैं अपने मुँह से तो कुछ नहीं बोल सकता, अब उसका इंसाफ यादव जी लो जरूर करेंगे भाई, मैं क्या बोलूँ, मैं बोलूँगा तो विवादित हो जाएगी चीज़ें, और शायद मेरा बोलना, एक आर्टिस्ट हूँ ना मैं, आप कलाकार हूँ, एक गाने वाला आदमी हूँ मैं, और टारगेट करके मुझे ही गाया जाता है ये मैं मुझे पता है, ऑफिशियली मुझे ही टारगेट करके हर वो चीज़ें होती है। बट ठीक है, इनके टारगेट से मेरा कुछ बिगड़ता ही नहीं है, तो इनको जितना मुझे टारगेट करना है, मैं तो बंद कमरे में कुछ बोल देता हूँ तो उस पर भी विवाद हो जाता है, और लोग मंच से बोल जाते हैं तो विवाद नहीं हो पाता है। मैं तो, और बंद कमरे में हर आदमी नंगा होता है, आदमी कुछ भी बोलता है अपने हंसी मस्ती में, 10 लोग बैठते हैं तो बातचीत होती है, बंद कमरे में तो प्रधानमंत्री तक दुनिया गाली दे देती है, लेकिन यहाँ तो मंच से भी लोग गाली दे देते हैं पूरे समाज को, और उसको कुछ नहीं होता है क्योंकि वो खेसारी नहीं है ना। खेसारी अगर बंद कमरे में भी बोल दे तो उसके लिए पूरी कलाकार बंधु आकर सबकी अपनी प्रतिक्रिया, इतने शिक्षित हो जाते हैं ये कि लगता है कि ये विश्वविद्यालय से पढ़ के आए हैं और मैं भैंस से डायरेक्ट आ गया बॉम्बे शहर में। हाँ मैंने हम भैंसे पर से डायरेक्ट फ्लाइट पर आ गए, नहीं ये लोग बाकायदे रामायण महाभारत ग्रंथ सरल सलील पढ़ के ही लो आइल भेजी गया, इतने ज्ञानी पुरुष हो जाते हैं। इनका प्रवचन देखिए, एक भाई का मैंने लाइव देखा था, हम इतने भी सी नहीं है भाई कि वह भाई आके कह रहा है कि देखिए खेसारी जी की बेटी के बारे में आप कुछ बोलिएगा तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, अगर तुमको इतना ही चिंता मेरी बेटी के लिए है तो भाई तू उसको फोन करके डांट देता, फोन करके डांट देता ना, दुनिया को लाइव में बताने की क्या जरूरत है। तुम मेरे शुभ चिंतक हो, मैंने तुम बताना चाहते हो कि हाँ खेसारी जी हम बहुत अच्छे इंसान हैं,
तुम्हारे जैसे सी लोगों को मैं रखता हूँ बाबू, ये दिमाग में रखो। और तुम जो बोल रहे हो और जो घर अंदर की बातों को आप उजागर चीज़ें हुई दुनिया ने कि हाँ भाई ये चीज़ वो चीज़। एक और चीज़ बोलना नहीं चाहता, विवाद होगा। कोई आदमी फेसबुक पर एक दिन पहले डालता है कि अवतनी बनारस में तहर उपाय करे और अगले दिन बोलता है कि हम मिलने गए हैं, कोई बात नहीं। तो इतनी भी दुनिया चूतिया नहीं है और इतनी भी दुनिया बेवकूफ नहीं है कि आप कुछ भी कह जाओगे और कुछ भी कर दोगे और दुनिया को नहीं पता चलेगा। चलेगा। आज मंच से किसी यादव जी की बेटी के, यादव जी की बेटी सपनवा में आती है, किसी ने गाया, अब प्रतिक्रिया कहाँ गई आप सबकी? नहीं बोलेंगे ना आप, क्योंकि आप सबको तो खेसारी से मतलब है, आप लोगों को सिर्फ खेसारी से मतलब है, लेकिन हमें आप सबसे मतलब ही नहीं है। हमें अपने जनता से मतलब है, भगवान से मतलब है, मेरी भगवान मेरी जनता है। अब यादव जी खुद ही समझा देंगे आप सबको, जिनको लगता है कि यादव जी की बेटी सपनवा में आती है तो समझाएंगे ना आपको। अब आप जाइएगा, आपको तो घूमना है, कार्यक्रम तो करना है ना। तो कितने सपना आपके, इतने गहरे सपने हैं जो आपके सपने में सारी चीज़ें आ रही हैं और यादव जी की बेटी ही सपने में आती है आपकी। और मैं उन पंडित जी से बोलना चाहता हूँ कि आप मेरे घर परिवार का चिंता मत करिए, मेरी बेटी के बारे में कोई बोलता है तो आप लाइव आकर उसको समझाते हैं, फ़ोन करके समझा दिया करिए। उतना दिमाग मेरे पास है जितना आप दिमाग लगाते हैं, आपसे ज़्यादा दिमाग रखता हूँ, इसीलिए यहाँ हूँ। और आप लाइव में आकर बोलते हैं कि उनकी बेटी के बारे में किसी ने बोला तो मैंने उसको ये किया, मैंने वो किया। अब मैं दुनिया को जताना चाहते हैं कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया। कौन पूछने गया था आपसे ये बातें? कोई पूछने तो गया नहीं था, लेकिन आपने बोल दिया मेरी बेटी के बारे में गलत बोला, बट ठीक है, वो आपका पॉइंट भी हुआ है। लेकिन उसी समय मुझे समझ में आ गया, मैं उस समय जवाब आपका नहीं दिया कि नहीं देना ठीक नहीं है, समय आएगा तो दूंगा। बट आपके घर में भी बेटी पैदा होगी, ईश्वर करे कि आप भी शादीशुदा हैं, ईश्वर करे कि आपके घर में भी वो लक्ष्मी आए और उस लक्ष्मी का सम्मान है। और शायद जब लक्ष्मी आपके घर में आएगी तो आप सम्मान करना सीख जाएंगे, चाहे यादव की बेटी हो या किसी भी पर्टिकुलर जात की बेटी हो। हमें किसी को हक नहीं है कि हम मन से बोल दें कि ये सपना में आती है, इस जाति की बेटी सपना में आती है, या हम खुलेआम फेसबुक पे आके बोलें कि उनकी बेटी के बारे में ऐसे किसी ने बोला तो मैंने उसको दबाला कि भाई मेरे पास ऐसे शब्द मत इस्तेमाल करो। अरे बाप रे, हरिश्चंद्र के खानदान से सब आए हुए हैं यूनिवर्सिटी में, एक ही रावण आ गया है, हम ही एक रावण है भाई। अगर आपको लगता है कि आप सही हो मैं गलत हूँ तो मैं मान लेता हूँ यार कि मैं गलत हूँ, आप सही हो। फिर मैं जानता हूँ कि फिर आप लोग लाइव आके फाड़ोगे मुँह और ढेर फाड़ोगे और ज्ञान का पुतला बांटोगे। ये ज्ञान जो दुनिया को बांटते हो, कम से कम अपने अंदर भी इसको डाल लो यार, शायद डाल लोगे तो बहुत बेहतर होगी, तो डालो अपने अंदर भी। और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जब भरे मंच से कोई किसी जाति को और खास करके मैंने कि यादव की बेटी सपनवा में आती है, भरी मंच से कोई किसी को गाली दे देता है, कोई कुछ भी बोल देता है, तो उसके लिए एक आदमी लाइव नहीं आता है, एक आदमी अपनी प्रतिक्रिया को नहीं देता है, तो मैं क्या मानूं? हाँ, तो मैं क्या मानूं कि साहब सारे लोग मिलकर मुझे इस धरती से उखाड़ना चाहते हो? मैं यही बताने भी आया हूँ, मैं तो आया था सर, माँ शारदे का आज पूजा है तो मैं बधाई देने, लेकिन किसी भाई ने कमेंट कर दिया और कल मैंने वो चीज़ें देखी तो मुझे भी बुरा लगा कि भैया किसी ने गाया है कि मंच से गाया है कि यादव जी की बेटी सपनवा में आती है, आपको बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहता था भाई, कि मैं बोलता हूँ तो कुछ ना कुछ गलत हो जाता है यार, क्योंकि मेरे बोलने पर पूरी भाव 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 कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देती है पूरी यहाँ की जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं, पढ़े लिखे समझते हैं, उनकी औकात बहुत बड़ी है। मेरी भाषा वो गलत हो सकती है, बट मैं किसी को समझा रहा था कि सीख के आओगे तो अच्छा करोगे, नहीं तो देख लो ऐसे ही स्ट्रगल यहाँ 30-30 फिल्म करके आज भी आप नए हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 30-30 मैंने जीवन भर खलासी रह बलो फील्ड में गाड़ी चलावला सा ना हुई, रोड पर चलावे खाती सीखे के परेला, तो रोड पर चलाएंगे तब ना आप ड्राइवर हैं, फील्ड में चलाने से आप ड्राइवर हैं जी। मेरा मानना वही था, मैं किसी को समझा रहा था और आदमी समझाते समझाते बोल जाता है किसी के लिए कि नहीं यार देखो उसकी वो क्या फलानवा का लड़का अगर बिगड़ गया तो आदमी बोलता है ना कि देखो उसका लड़का बिगड़ गया,
तू भी पढ़ाई कर, नहीं तो तू भी उसी तरह हो जाएगा। ये बातें होती है, आदमी बोल जाता है घर के, तो चार दीवारों के अंदर जो बातें होती थी उसके लिए सब प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते। हाँ क्यों यार, सब लोग प्रतिक्रिया देने, आज एक यादव की बेटी को भरी मंच से कोई गाली दे रहा है तो प्रतिक्रिया नहीं दे सकते आप? हाँ, और किसी भी जात के लिए, कौन हक दिया है आपको? माइक दे दिया है तो, मुंह दे दिया है तो, आप कुछ भी किसी जात के लिए बोल दोगे? क्यों बोलोगे किसी भी जात के लिए? यादव की बात हो या भूमिहार की बात हो या ब्राह्मण की बात हो या राजपूत की बातें हो चाहे अदरवाइज किसी भी जाति के लिए क्यों बोलोगे भरी मंच से? आप ज्ञानी पुरुष हो, कहाँ हो सब ज्ञानी पुरुष जी, आ जाओ, नहीं फाड़ोगे मुंह, क्योंकि वो खेसारी नहीं है ना। खेसारी होता तो अब तक तो बाप रे बाप, अब तक तो पूरी इंडस्ट्री के अंदर जागरूकता पैदा होती, सफाई अभियान शुरू हो जाता है ना। आप लोग झाड़ू लेकर लगते हो झाड़ू मारने, हाँ साफ करो खेसारी लाल को, मैंने ज़्यादा गंदगी खेसारी लाल यादव के अंदर है, हैं? और बाकी लोग फूल बेचते हैं, हम मटन बेच ही लेगा, तर लोग प्रतिक्रिया ना भाई, हम जाना था नहीं ऐसे की तरह सब जतना जाना बाड़ा सब जाना एक थरिया में खाए वाला हुआ, आ तू लोग उखाड़ के फेंक दो हमारे के, हमहू यही जीबानी आ देखा था नहीं कि झुंड में आके तू लोग हमारे करे लगा। हमके भी कल बहुत गुस्सा आये, हम सोचने कि काले आके हम तनी बता दे बढ़िया से कि नहीं ये ठीक नहीं है। मैं भी गाऊँ अगर किसी जाति विशेष पे, किसी जाति के बेटी पे गाऊँ तो मुझे भी आप मत छोड़िए, किसी को मत छोड़िए। क्यों? किसी भी जाति की बेटी हमारी, हर जात की बेटी बहन है, हमारी बेटी की तरह है। बेटी पैदा करोगे आप लोग तब समझ में आएगा, जब आपके घर में भी औलाद आएगी, एक बेटी आएगी, एक लक्ष्मी आएगी तो समझ में आएगा। दुनिया की बेटी रोड पे नहीं घूम रही है, चाहे वो किसी भी जाति की हो। हम संस्कारिक हैं ये मुझे पता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है हमें कि हम कितने संस्कारिक हैं। हम अपने बड़ों का सम्मान, हमारे पास बीवी है जो आज 15 साल के रिलेशन में हम एक दूसरे से खुश हैं, बेटियाँ हैं हमारी, हम पारिवारिक आदमी हैं और हमें पता है कि हम क्या हैं। तो आप लोग मुँह अब नहीं फाड़ेंगे, फाड़िए, हरिश्चंद्र जी के औलाद जितने हैं आप लोग आइए लाइव, वो आपके आप में, वो आपका दोष ही नहीं है, वो आपके संस्कार का दोष है कि आप दुनिया के लिए कुछ भी बोल सकते हो। झुंड में हो ना आप लोग झुंड में हो, ठीक है। अब प्रतिक्रिया कहाँ गया बाकी जितने भी हैं हरिश्चंद्र जी के नजायज़ औलाद लोग? हाँ, गुस्सा आता है कि अगर आपके अंदर सलीनता है, शक्ति है, तो आपको बोलना चाहिए। आप सिर्फ खेसारी के लिए आपके मुंह खोलते हैं, क्यों यार, सबके लिए खोलो। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो समाज के सुधारक हैं, तो समाज के सुधारने वाला बात तो एक ही आदमी गलत करता है समाज में। जो गलत करता है उसके लिए बोलोगे कि सिर्फ एक ही आदमी को टारगेट करके सब बोलोगे यार? अब नहीं बोलोगे, बोलो नहीं गजब है। चलिए कोई बात नहीं, बुरा लगा था मुझे भी कल बहुत ज़्यादा, तो इसलिए बोल दिया यार। प्लीज़ मैं किसी को टारगेट नहीं किया, बट मैं बोल दिया कि नहीं ये किसी के लिए भी गलत है, मत गाइए आप, मत गाइए आप भरे मंच से यार, क्यों हैं? भरे मंच से आपको नहीं बोलना चाहिए, तो यहाँ भरे मंच पे ये लोग कुछ भी पोटी कर देंगे, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री कोई प्रतिक्रिया नहीं देगी। खेसारी लाल यादव बंद कमरे में भी अगर बोल देगा तो उसके लिए बाप रे बाप पूरी इंडस्ट्री उठ के आ जाएगी अपनी प्रतिक्रिया देने, रामायण महाभारत लेके। नहीं है हम कहाँ गए महाभारत, हवा पागल को दे बोलो, क्योंकि हम पागल होखब ना तर लोग कह के जाए यहाँ से। और देखा था नहीं तू लोग कतना एकता बना के या खिसारी को उखाड़ा था, अब हमू देखते बनी गावो लो, तू लोग ऐसा ही गावो लो, गावो जतना तर लोग करे के बाद। हम जाना था नहीं कि आपने जो भी कहा है वो खिसारी को टारगेट करके ही कहा, बट ठीक है, लेकिन जादू समाज के लिए बोला है, आप खिसारी को बोल देते, खेसारी को बोल देते तो शायद समझ में आता, लेकिन अपने टारगेट खेसारी को किया और पूरे यादव समाज को बेइज्जत कर दिया मंच से। अब यादव समाज ही आपका देखेगा, यादव समाज आपको बताएगा जी हाँ क्या है आप, और आप सबको बताएगा। जैसे अब आपकी प्रतिक्रिया कहाँ गई, तो यादव समाज का जीने का हक नहीं है क्या यहाँ पे? हर समाज को जीने का हक है, हर जाति विशेष को जीने का हक है, और आप किसी एक जात को टारगेट करें क्यों करेंगे? सबकी बेटी हमारी बेटी की तरह है, सबकी बहन हमारी बहन की तरह है। हमारे शादी हो चुका है भाई, हम शादीशुदा हैं और भगवान ने एक बीवी दिया है मुझे और हम उसमें खुश हैं और वही जीवन भर रहेगी। हमें 10 करने की आदत नहीं है और ना ही हम 10 कर सकते हैं, क्योंकि हमारे संस्कार में एक से ही जीवन पार लग सकता है अगर हमारे अंदर संस्कार है तो। अनसंस्कारी के लिए 75 भी हो सकती है, बट नहीं,
हम जिसका हाथ थामे हैं उसके साथ जीवन भर चलने की कसम खाए हैं और उसी के साथ चलेंगे, क्योंकि हमारी भी माँ जबाई तो हमारे पिता का हाथ पकड़ कर आज तक निभा रही है 55 साल की उम्र में। हम उसी माँ के बेटे हैं और हम भी कोशिश वही करते हैं। हमारे अंदर संस्कार है अपने माँ बाप का सेवा करने का, लोगों का प्यार पाने का, वो हमारी क्षमता है। तो प्लीज़ आप टारगेट मुझे करते हैं और फंस जाते हैं, क्यों? अब यादव समाज खुद ही आपको बताएगा जी हाँ कौन सपना में आता है आपके। और प्रतिक्रिया दीजिए भाई, आप लोग कहाँ हैं हरिश्चंद्र जी के औलाद लोग? आप लोग प्रतिक्रिया दीजिए भाई, उठिए देखते हैं कौन कौन देता है प्रतिक्रिया, अब दे पाता है कि नहीं दे पाता है। क्योंकि भरी सभा में मंच से किसी यादव की बेटी सपनवा में आती है, बेइज्जत किया गया है यादव समाज को, तो अब कहाँ है वो? प्रतिक्रिया दे दीजिए ना। हम तो बंद कमरे में अगर एक दो लोगों का नाम ले लेते हैं तो उसके लिए पूरी इंडस्ट्री प्रतिक्रिया देना शुरू कर देती है। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग दे दीजिए प्रतिक्रिया इन सबको, जे क्या चाहते हैं। जिस दिन आप लोग को सुनना ये जनता बंद कर देगी ना, आदमी बन जाओगे। तो इतनी भी अहंकार मत पाल के रखो आप सब कि आप जो करते हो वही दुनिया में सही है, ऐसा अहंकार ठीक नहीं है। और रावण का अहंकार किसी ने फेसबुक पर डाला था कि रावण का अहंकार नहीं रहा, मैं मानता हूँ, लेकिन रावण अहंकारी के साथ साथ ज्ञानी भी था। आप लोग के अंदर तो वो भी नहीं है, तो अगर आपके अंदर अहंकार है तो ज्ञान भी लेके आएगी। वैसा आदमी था जो उसको मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। अगर आप मुझे रावण समझते हैं तो मुझे मारने के लिए आप लोग को भगवान बनना पड़ेगा, और भगवान आप बन नहीं सकते, कभी नहीं बन पाओगे। उसके लिए भगवान का विचारधारा होना चाहिए, उसके लिए जूठा बैर खाना पड़ता है, ठीक है ना, उसके लिए जंगल में जाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। धैर्य का दूसरा नाम ही राम है। तो धैर्य आपके अंदर नहीं है, आप कुछ भी करते हो, तो इसलिए अगर किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी यार, सॉरी पहले ही बोल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को सॉरी बोलवाने में बड़ा मज़ा आता है, तो सॉरी, ठीक है। और आकर बताओ कितने लोगों को वो चीज़ें बुरी लगी है, अब मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लव यू ऑल, और सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामना आप सबको मेरे तरफ से, जितने भी भोजपुरी समाज के लोग हैं सबको ऐसे ही ऐसे प्यार आशीर्वाद देते रहिए अपने बेटा अपने भाई खेसारी लाल यादव को। और जो गाना मेरा आया है पवन बाबा का लिखा हुआ, जी छोटका देवरा डाला था बथानी में,